गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के सदवहनी गांव में 15 मार्च को लाखों रुपए की सरकारी दवा फेंके जाने का एक मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस लंबे समय से जांच कर रही थी, वहीं अब गढ़वा पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एसपी द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन को दबोचा है। इस मामले में शिक्षा विभाग का एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी एसपी दीपक पांडे ने प्रेस वार्ता करके दी है। एसपी दीपक पांडे ने बताया कि जिन दवाओं को फेंका गया था वो अल्बेंडा जोल और आयरन की दवा थी। इन सभी दवाओं को हर स्कूल में देना था, लेकिन लापरवाही के कारण ये बट नहीं सका। इसी बीच रांची की टीम जांच के लिए आने वाली थी, जिसके डर से शिक्षा विभाग बीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। वहीं फेंकी हुई दवाओं को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर दवा को जब्त कर थाने में लेकर आई। मजियायो रेफरल अस्पताल के प्रभारी के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की, जिसमें तीन लोग पकड़े गए हैं। पुलिस अभी आगे की छानबीन कर रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 मार्च को कांडी थाना अंतर्गत सदबहिनी के पास में भारी मात्रा में जो दवाएं थी उनको फेंका गया था। इस संबंध में कांडी थाना में कांड दर्ज किया गया और कांड दर्ज करने के उपरांत एक एसआईटी का गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कांडी बीआरसी का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो दवाओं के रख रखाव उनका रिसीट और डिस्पैच जो स्कूलों में डिस्पैच होता है दवाओं का, उसके लिए वो जिम्मेदार था। और जिस पिकअप वाहन से दवाओं को फेंका गया था सतवहिनी में, उस पिकअप वाहन के मालिक और ड्राइवर और पिकअप वाहन, इन सबको जब्त किया गया है। इसमें पूरी बात यह है कि एक रांची से मुख्यालय से कोई टीम जांच के लिए आने वाली थी और इनको जब जांच का भनक लगा तो जितना भी एक्सपायरी दवा है वो ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने सुमंत राम ने, जो बीआरसी का कंप्यूटर ऑपरेटर है कांडी का, उसके द्वारा ये योजना बनाई गई और इन दवाओं को 15 तारीख को पिकअप वाहन मालिक और उनके चालक की मदद से सदवहिनी के पास में फेंकवाया गया। इसमें ज़्यादातर एक्सपायरी दवा है, लेकिन साथ ही साथ 20% जो दवाएं थी सभी दवा में वो नॉन एक्सपायरी दवा थी, वो अभी भी सही दवा थी, उनको भी फेंका गया। और इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है कि दवा कहाँ से डिस्पैच किया गया था, बीआरसी कांडी को कब मिला था और बीआरसी कांडी द्वारा इसको स्कूलों को दिया गया था या नहीं दिया गया। तो इन सारे स्टॉक के मिलान के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि बीआरसी कांडी की दवा, और सुमंत राम से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो इसका स्वीकार किया गया इसके द्वारा कि ये दवा जो है बीआरसी कांडी से है और उसी के द्वारा पिकअप वाहन मालिक के मदद से और चालक के मदद से इसको सतवहिनी के पास में फेंका गया। इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता के बिंदु पर भी हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य सामने आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गढ़वा से संवाददाता विनय। विनय, 15 मार्च को लाखों रुपए की सरकारी दवा फेंकने का एक मामला सामने आया था, जिसका अब एसआईटी टीम ने खुलासा किया है और इस मामले में तीन गिरफ्तारी की है, क्या कुछ अपडेट है अब तक? देखिए, जहां तक दवा की बात की जाए तो दवा पहले से ही रखा हुआ था और वहाँ बांटने के लिए रखा हुआ था खासतौर पर स्कूलों में, लेकिन इस बीच पता चला कि बाहर से टीम जांच करने के लिए आ रही है कि दवा का वितरण हुआ कि नहीं हुआ, और इसको देखते हुए जब देखा गया तो दवा जो है कुछ दवा एक्सपायर कर गया था और कुछ दवा जो था उसका भी डेट था, फिर भी आनंद फानंद में सभी दवाओं को फेंक दिया गया था और उसी पर एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसमें कि पता लगाते लगाते अब जाकर पता चला कि वह कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके द्वारा उसके तहत मतलब फेंकवाया गया था। तो इसमें एक ऑपरेटर सहित कुल तीन लोग की गिरफ्तारी हुई है और जिनको जेल भेज दिया गया है और यह एक मतलब खुलासा किया गया कई महीनों के बाद। जी, जो दवा फेंकी गई थी वो आयरन की गोली थी जो स्कूलों में बटनी थी और जिसको बांटा नहीं गया, लापरवाही की वजह से उसको फेंक दिया गया और डर की वजह से ये दवाई फेंकी गई, जिसका खुलासा अब एसआईटी टीम ने किया है।
जी 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 तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विनय।